हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रदेश के यशस्वी विकास पुरुष श्री मनोहर लाल जी का छात्र की धरती पर ऐतिहासिक अभिनंदन हुआ। पोषक वर्षा के साथ साथ गांव और मेरी तरफ से बड़ा भव्य स्वागत किया गांव और मुख्यमंत्री जी भारी भीड़ से गदगद नजर आए और मुख्यमंत्री जी बिल्कुल दोबारा से उन्होंने कहा कि जिस प्रकार का विकास मैंने प्रदेश में सबका साथ सबका विकास और मैट पर योग्य युवा पर जो नौकरी लगाई है इसी कार्य को आगे बढ़ाते हुए पूरे प्रदेश का सर्वांगीण विकास करने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जो 75 पार मान के चल रही है लोगों के उत्साह से और आत्मविश्वास से प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी 75 नहीं बल्कि 85 पार सीटें लेकर हरियाणा प्रदेश में अभूतपूर्व विजय प्राप्त करेगी और इसमें तो कोई शक ही नहीं कि जो दमखम टिकट तो लगा रखा है कहीं ना कहीं वो टिकट को लेके भी लगा रखा है और जिस प्रकार से प्रदेश सरकार ने सबका साथ सबका विकास किया है इससे भी प्रदेश की जनता उन्हें इसी मुख्यमंत्री को पुनः भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश की बागडोर देना चाहती है। देखिए टिकट का फैसला केंद्रीय नेतृत्व को और प्रदेश नेतृत्व को तय करना है और उचाणे की जनता बदलाव चाहती है। उचाणे की जनता चाहती है कि अब की बार कोई युवा यहाँ से नेतृत्व करे। आज जींद पहुंची मुख्यमंत्री की जन आशीर्वाद यात्रा का जींद रेस्ट हाउस से आगमन हुआ और अनेकों गांव से गुजरते हुए उचाणे में पहुंची। उचाणे के 76 गांव में 76 निवासियों ने सीएम का भव्य स्वागत किया और वहीं बीजेपी युवा नेता जितेंद्र छात्तर ने सीएम साहब का भव्य स्वागत किया और लोगों की भीड़ को देखते हुए लग रहा था कि गांव के लोग मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए पलके बिछाए हुए थे। जैसे ही मुख्यमंत्री गांव छात्तर में पहुंचे तो वहां के स्थानीय लोगों ने भारत माता की जय का नारा लगाते हुए सीएम का भव्य स्वागत किया। जितेंद्र छात्तर का कहना है कि उचाणे के विकास के लिए बदलाव की आवश्यकता है, अगर बदलाव होगा तो विकास होगा और विकास को गति मिलेगी। अब तो अगले 5 साल के लिए आपका आशीर्वाद चाहिए। मेरे भाई वो खड़े देंगे ना आपका।